सीन अभी ऐसा है गाइस कि मम्मा और पीहू चले गए मॉल क्योंकि उनको जा रहा था, हमें करनी थी एडिटिंग। तो मम्मा ने कहा रशि को आप संभाल लो, जब डिनर टाइम हो तो रशि को ले आना। तो रशि मेरे साथ, लेकिन मम्मी को ब्लैकमेल कर रही है कि देखो ये जो है क्रिसमस ट्री पड़े ना 1 और 2, ये चॉकलेट के क्रिसमस ट्री है। तो रशि मुझे कह रहा है कि इसको खोल दो इसको खोल कर देखते हैं इसके अंदर क्या है, क्योंकि मम्मा नहीं है ना, मम्मा तो पिट्टी लगा देती है। तो पापा को मस्के लगाए जा रहे हैं, क्यों पहले पूछी उची पूछी पोलाइटली बोलो। मम्मा मेरी पिट्टी कर देगी, भरोसा करके छोड़ के नहीं जाएगी मेरे को, बहुत पिट्टी कर देगी मम्मा। चलो चलो मेरा एडिटिंग हो गई है, मॉल चलते चलो, मॉल चलेंगे, मॉल में पार्टी करेंगे। नहीं बेटा मैं नहीं सकता बेटा, मेरे को मेरी पिट्टी हो जाएगी, मेरे गलूरे लाल हो जाएंगे। चलो ठीक है, एक मम्मा को बोलना नहीं, ठीक है। पैर दिखा, पैर दिखा, पूरी मस्ती करा लो तो मेरे से है, तैयार यार सब करा लो। जूस तो पे पाले बेटा, क्या गाइस को क्या बोल रहा है? गाइस को बोल रही हूं कि ये बहुत एक्साइटेड एंड अच्छे। कौन मैं? मम्मी कह रही है रशि के लिए ड्रेस पहन ला के जल्दी मॉल आ, जल्दी आओ। जब मैं तो हम लोग साथ में घूमते ना अकेले बिना मम्मी के, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाँ ये मेरी मम्मा बनी हुई है, चलो आ जाओ मम्मा मुझे अंदर ले चलो। मॉल कितना अच्छा होता है ना। फिलहाल ये मेरी मम्मा बनी हुई है, मैं इसका बेबी बना हुआ हूँ। तो मैंने कहा कि मम्मा मुझे भूख ही लगी है, पता क्या कहती है, आप सुबह नाश्ता अच्छे से नहीं करते इसलिए लग जाती है, मैं नहीं खिलाऊंगी। अच्छी अब कौन मम्मा बनेगा, मैं आपकी मम्मा हूँ कि आपकी मम्मा है? फिर मैंने ऐसे किया, ऐसे ऐसे किया, कहती है बेबी बाबू पे हाथ नहीं उठाते। हो गई ड्रेस तो दिखा दो, अच्छा लग रहा मम्मा। मम्मा खुश हो आप, शॉपिंग हो गई? चलो वी जस्ट केम हियर टू बाय बेबी डायपर्स। अभी है चीज केक फैक्ट्री, इट्स एन अमेरिकन रेस्टोरेंट, सॉरी लाइट बहुत कम है, बट लुक एट द साइजेस, व्हाट दे आर द साइज ऑफ द ड्रिंक, मतलब 1 लीटर आ गया होगा ना। एवरीथिंग दे सर्व इज एक्स्ट्रा लार्ज। होटल फाइनली टाइम टू से गुड बाय, से मिलेंगे हम कल। बच्चे दोनों सोचे कि हमारे टेस्ट लेट। ये रितु का अलार्म बजता है दूसरे कमरे में, रोज इसका अलार्म बजता है, खुद नहीं उठती उससे, मैं उठ जाता हूँ उससे, चैत्र भी उठ के रोने लगती है, फिर मैं जाके बंद करता हूँ उसको, कहती है मगर मेरा अलार्म नहीं बजा, लगता है मेरा फोन खराब हो गया है। सो गाइस वेलकम बैक टू द व्लॉग। एक ब्लैक कॉफी बना लिया और बना के उसको थोड़ा सा जिम करके आएंगे, क्योंकि 4 दिन से बिल्कुल जिम नहीं कर, ट्रैवलिंग में सोचता हूँ कि सुबह रोज जिम करूंगा, बट हो ही नहीं पाता है क्योंकि हो ही नहीं पाता। बहुत जरूरी बात थी जो मुझे कल करनी थी, लेकिन भूल गया ब्लॉग भी करना। 2 दिन पहले एक ब्लॉग डाला था हमने आपके लिए, शायद वो 4 दिन हो गया होगा। डिस्कस अबाउट व्हाट टू डू अबाउट माओ एंड माओ की सिचुएशन एंड क्रेच में छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए। बट यार मतलब मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि थैंक यू, सोशल मीडिया पे इंटरनेट पे किसी से आप राय वाय मांगो तो लोग मतलब ऊट पटांग रहा है, मतलब ऐसी चीज की जो पॉसिबल ना हो करना, बट थैंक यू सो मच कि इतने ज्यादा मच्योर रिप्लाईज आए आप लोगों के, और मैं वो देख के बहुत खुशी हुआ, इतने ज्यादा मच्योर तरीके से आप लोग उस सिचुएशन को समझेंगे, मेरी बात को समझेंगे, थैंक यू सो मच, मतलब दिल से शुक्रिया भाई। रोज सुबह आके मेरे को उठाती है यहाँ पे, वर्कआउट इज डन, 4 दिन बाद वर्कआउट करके काफी अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि सब खत्म हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ना खाना पीना भी बाहर ऐसे ही होता है। बट वो जाने डायरेक्ट ब्रेकफास्ट करने, रितु आएगी बाद में, लेकिन मैं निपटा, आई डोंट वांट टू गो बैक टू रूम एंड कम बैक अगेन, हाँ बाहर निकलने के लिए पुश है अब यहाँ पर, तो पुश पुल वर्कआउट पुल स्मार्ट। तो ये भी कितना बढ़िया कैफे है भाई, गजब होटल है, देखो मत हमारा रूम उधर कहीं पड़ता है, क्योंकि हमें ये पाथवे दिखता है अपने रूम से। ये तुमको मोटो क्या चाहिए? चटनी चाहिए, चटनी बिना नहीं खा सकते। ये राइड्स देखो, ये वार्नर ब्रो की राइड्स है क्या? अरे बाप रे, अरे तेरे यहाँ हम तो है ना, तो मजे आएंगे, बड़ा चलना पड़ेगा रितु, चलने साथ में चल लेंगे इसमें यार, इसमें बनता है यार जाना। अरे बाप रे, ये वार्नर ब्रोस की है क्या? लेकिन मोटे ही उल्टी हो जाएगी, उल्टी होती है, उल्टी होती है, सुनो उस दिन ज्यादा खाना नाश्ता करके नहीं आना, सारा उल्टी के साथ दोपहर असली वाली उल्टी हो जाएगी। ये वो है या स्वेटर है, हम लोग उस दिन आए थे ना, पता मेरे को नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। ड्रेस तो सोनी लग रही रशी आज, किसने दिलाई?
हम लोग अभी आ गए क्लाइम पे, पीछे फरारी वर्ल्ड है और इस साइड क्लाइम है। पहले हम लोग क्लाइम जाएंगे, फिर लंच करेंगे, फिर पीछे फरारी वर्ल्ड। लेकिन इसकी राइट जितनी भयानक है ना, लग ऐसा है कि आज भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि पीयू हमारे साथ है। पीयू के नॉट गो तो वन पेरेंट हैज टू गो, फिर अदर पेरेंट की फट जाती है। दोनों पेरेंट्स की फटी होती है लेकिन साथ में आते हैं ना तो हाथ पकड़ के थोड़ी फटी स्क्वायर होता है, तो फटी स्क्वायर इज इक्वल टू सिली। तो फिर हम लोग चले जाते हैं। अरे निकालो भाई, बगल वाले को बीबी मान के हाथ पकड़ लूंगा, उसका कर लूंगा। मेरे कल यहीं से एंट्री है, 12 बजे खुलता है ये। हम लोग आज टाइम से पहले आ गए फॉर अ चेंज। लेकिन पता क्यों ऐसा हुआ? आई टोल्ड यू कि वी हैव टू लीव एट 11 बट वी हैव टू लीव एट 11:30, दैट्स व्हाई वी आर बिफोर टाइम। बट इट्स गुड ना, अच्छा लगता है टाइम से पहले आ गए ना कभी-कभी। तभी तू इतना लेट आ रहा था। आई वाज रिलैक्स दैट्स व्हाई। पीछे यहां पे है क्लाइम, देख क्यों नहीं रहा? यहाँ पे एक लाइम ने मंगा लिया कड़क चाय। हाँ? खुल गया है, चलो फरारी वर्ल्ड की लाइन देखो। नुकसान हो गया बहुत बड़ा, पीछे फ्री की कॉफी हम खरीद के आ रहे हैं, बाहर से 15 दिनों का नुकसान हो गया। मोटे ये बहुत ऊंचे तक है भाई, हम दे रहे हैं जो सिंगापुर में क्या था वो तो बच्चों के लेवल का था। पापा देखो, आप पता क्या हो जाएगी पापा की? उड़न खटोला। स्पेनिश पहले मैं और रितु जा रहे थे लेकिन अभी मैं और रशी जा रहे हैं। रशी हाई फाइव। हाई फाइव मम्मा, ये शी विल कैंसिल करा देगी, तो आपको भी शॉर्ट चला जाएगा। रशी कम ऑन लेट्स गो। रशी आप भी चलोगे? देखो सामने फ्लाइंग हो रही है। अच्छा आपका नाम क्या रखे हम? खुशी की पीहू। पीहू गौरव है, इन आंटी से फ्लाई नहीं हो रहा बिल्कुल भी। ये मेरे जैसी है। पापा नहीं, पापा नहीं थे, अभी पापा आएंगे। देखो छोटा बच्चा जा रहा है रशि। हेलो ये इतना हल्का है, ये तो उड़ ही रहा है बच्चा। मेरे को लगता है इस बच्चे को तो हवा की भी जरूरत नहीं है उड़ने के लिए। हाँ भाई पीहू, अभी पापा जाने वाले हैं। रशि तुम क्या कहती हो, कैसा करेंगे पापा? अच्छा करेंगे। पीहू तुम क्या कहती हो, कैसा करेंगे पापा? अच्छा। पापा की बारी आ गई, पापा की बारी आ गई। हाँ ये पापा हैं, पापा ये देखो मोटे से दिखे नहीं, जो सबसे मोटा आदमी बन जाता है ये। इतना मोटा आदमी संभालना मुश्किल है सर। ये लोग तो बैठे हुए हैं, हवा से भी नहीं उड़ पा रहे हैं। पापा इज स्ट्रगलिंग हार्ड। यस पापा यू कैन डू इट। पापा ले रहे रशीद, पापा हवा उड़ा नहीं पा रही पापा को। ओ ये वो हाई फ्लाई में मजा, हाई फ्लाई में ऊपर जाके ना, ऊपर जाके तो मजा आता है, नीचे देख के लगता है कि अरे भाई साहब नीचे कैसे आएंगे। तो मैंने एक चीज लेकिन क्रैक कर ली, रामायण में हनुमान जी और ऊपर जाके लड़ते थे हवा में, मैम बिल्कुल वैसी कर रही थी। मैम इफ आई वांट टू फ्लाई लाइक यू, हाउ मेनी इयर्स शुड आई डिवोट टू दिस? थैंक यू सो मच। हाउ मच टाइम इट वुड टेक फॉर मी टू गो सोलो? रशी मम्मा कॉल द बेस्ट, बोलो। तुम भी तेरी मम्मा का है? ये देखो रशी बना रही ब्लॉग और मैं बना रहा मम्मा की स्टोरी। ये मम्मा, ये मम्मी। रशी बोलो ये मम्मा, ये मम्मी। गुड जॉब मम्मा। Thank you so much. Thank you. बहुत अच्छा था।
चुपचाप कर रह गया। मैंने कहा था चल लो बेटा, कोई नहीं, हम नेक्स्ट टाइम आएंगे करेंगे। पापा ने कहा था पापा जब चीज बोले ना वो कर लिया करो। ऋषि इतने मजे आते हवा में उड़ते हैं ना, हनुमान जी की तरह। चलो फाइनली टुडे वी फाउंड अ इंडियन रेस्टोरेंट। ऋषि को आलू पराठा खाना, उसको बेचारे को कहीं मिलता नहीं है, ब्रेकफास्ट में नहीं मिलता।